हैं जोंक, अपने संविधान के ऊपर बैठ जाते हैं और पूरा खून पी जाते हैं, ये जोंक है। जोंक को कैसे निकाला जाए तो आप जानते हैं बेहतर। तो इस जोंक को निकालना है, समाज से निकालना है, पार्लियामेंट से निकालना है और इनका खात्मा जल्द से जल्द करना है। खाकी चड्डी वाले आरएसएस के निक्करधारी, हम तो कहते हैं कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया और देखेंगे। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है आपसे, मेरा दो गुजारिश है, जो रिक्वेस्ट है। मैं जब आ रहा था तो यहाँ मैंने देखा कि ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस के पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं पीछे, और इनके साथ में त्रिपुरा स्पेशल पुलिस के पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसका मायना समझिए कि दिल्ली में थोड़ा करीब जामिया में दिल्ली पुलिस ने आक्रमण करके तो लाइब्रेरी को तोड़ फोड़ करके, सरों पे लाठियां बरसा के, गोली चला के लोगों को घायल करने के बाद पता लग गया कि इनका बस का नहीं है। उत्तर प्रदेश में अजय सिंह की बिष्ट की पुलिस भी यही काम करती आई है, लेकिन अब इनको सहारा लेना पड़ रहा है BSF का, ITBP का और दूसरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का। मैं पूछना चाहता हूँ ITBP के कर्मी को, क्या आपको पिछले दो महीने के तनख्वाह मिली है? BSF को नहीं मिली है, SSB को नहीं मिली है। सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन दमन चक्र चलाने के लिए आपको वर्दी पहना के यहाँ पे खड़ा कर दिया है। हम तो कहते हैं, अरे निक्करधारी RSS वाले, चड्डी वाले, खाकी चड्डी वाले, खाकी चड्डी वाले RSS के निक्करधारी, हम तो कहते हैं कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया और देखेंगे। केवल नारा नहीं है, ये दमन चक्र चलेगा, क्योंकि ये लोग गूंगे हैं, बहरे हैं, इनको अलविदा करना है दिल्ली से, इनको वन वे टिकट देना है नागपुर के लिए, चले जाए नागपुर, इनका जहाँ पे दफ्तर है निक्करदारियों का, RSS वालों का। चलो नागपुर, आप चले जाओ यहाँ से, लेकिन दमन चक्र चलेगा। इसके लिए हमको हौसला बनाना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में जेल के लिए, जेलों को अगर आप भर दोगे तो केवल 3 लाख जगह है। क्या हम लोग 10 लाख लोग जेल नहीं भेज सकते? तो तैयारी करो, रोटी कपड़ा और मकान तीनों चीज मिलती है जेल में, सरकार देगी। हमने इस दमन चक्र का एक ही फैसला लेना है, अपने हौसले से जेल भर देना है, सिविल नाफरमानी खोना है, सिविल नाफरमानी। आप घर जाइए, आपके पास अगर जियो फोन है तो उसको बदल दीजिए अगले हफ्ते में। अदानी को क्यों पैसा देते हो, अंबानी को क्यों पैसा देते हो? ये इनका 10 रुपया आप खरीदोगे कुछ सामान तो उसमें से 2 रुपया जाता है RSS और BJP के खजाने में। टाटा का कोई सामान ना खरीदें, अदानी का कोई सामान ना खरीदें, बिरला का कोई सामान ना खरीदें, छोटे छोटे जो कारोबार करते हैं उन्हीं के यहाँ से सामान खरीदें। ये सरमाएदार, ये मुनाफेखोर, इनके यहाँ से कुछ ना खरीदें। दूसरी बात, हमारे माताओं और बहनों पर आपने बहुत जुल्म किया यूपी में, इसका जवाबदेही हम करेंगे और लेंगे। हमारी एक ही गुजारिश है आप लोगों से कि इलियास साहब और वेलफेयर पार्टी के जो ऑफिस बेरर हैं उनके मार्फत
आप मेडिकल रपट एफिडेविट एफआईआर हम तक पहुंचाएं, इन सब पुलिस कर्मियों के खिलाफ हम केस डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, जीते या ना जीते तुमको तारीखों पे ऊपर नीचे कराएंगे। जैसे आप लोगों को तंग करते हैं, हमको भी कानून, हम जानते हैं कानून को कैसा इस्तेमाल करें। आपके पास तो अकल नहीं है, अकल के मोहताज हो, अकल बुद्धि विरोधी मोर्चा के अग्रिम मेंबर हो आप लोग। सरकार अकल से काम लेती नहीं है, पूरा देश आपके खिलाफ है, पंजाब में सिख पूरा आपके साथ खड़ा है। जिस तरीके से कल परसों बशीर साहब ने जिक्र किया फैसला एससी एसटी के खिलाफ, अगले हफ्ते 10 दिन में पूरे दलित वर्ग आपके साथ खड़ा रहेगा। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में आपका पूछने वाला है नहीं, दूरबीन से ढूंढ ढूंढ के आप निकर वालों को ले आते हो। पूरी उत्तर पूर्व में तो आपका जगह नहीं है, आसाम में तो आप हेलीकॉप्टर से जाते हो, रोड से नहीं जा सकते हो अपने मीटिंग में, इतनी आपकी ताकत है। तो आपकी ताकत है यहीं गाय बेल्ट, काऊ बेल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, काऊ बेल्ट, ये आपको, ये इसमें भी लड़ाई होगी। तो आप समझ लीजिए, हमको ज़्यादा भाषण देना नहीं है, हमारी दो ही गुजारिश है, जेल जाने की तैयारी करिए। ये सरकार केवल CAA के खिलाफ लड़ाई नहीं है, केवल NPR के लिए लड़ाई नहीं है, NRC के खिलाफ लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है BJP हटाओ, BJP हटाओ। हमें ये लोग जोंक हैं, जोंक, अपने संविधान के ऊपर बैठ जाते हैं और पूरा खून पी जाते हैं, ये जोंक है। जोंक को कैसे निकाला जाए तो आप जानते हैं बेहतर, तो इस जोंक को निकालना है, समाज से निकालना है, पार्लियामेंट से निकालना है, और इनका खात्मा जल्द से जल्द करना है। आप इंफॉर्मेशन भेजें केसों के बारे में, आगे की कार्रवाई हम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।